सर गंगाराम हॉस्पिटल में लगभग ढाई घंटे तक आजम खान से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। मुलाकात के बहुत सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत हम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और वर्तमान में सांसद सुखराम सिंह यादव से करते हैं, जो कि मेरे साथ मौजूद भी है। सुखराम जी, ढाई घंटे की मुलाकात चली है, मुलाकात के क्या सियासी मायने निकालने की हम कोशिश करें, क्योंकि कई बार ये कहा गया कि आजम खान अखिलेश से मिलेंगे लेकिन मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पहली बार दिल्ली में मुलाकात हुई। देखिए, आजम खान बीमार है और बीमार व्यक्ति के यहाँ जब कोई व्यक्ति आता है तो उसके हालचाल पूछता है, और हालचाल जब तक पूछता रहता है जब तक उसको संतुष्टि न हो जाए और उसे ये महसूस न हो कि हाँ हमारे हमदर्द हैं और मेरे दुख दर्द भी आए हैं, कि पूरे का समय लगता है, इसलिए घंटा समय लग जाता है उसमें, कोई कहीं जाता समय लगता ही। आप यानी कि कह रहे हैं कि जो हालचाल है उसको लेकर ये मुलाकात क्योंकि ढाई घंटे तक चली है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक उदासीपन तो आजम खान जी के रहा ही होगा कि 27 महीने जेल में लेकिन अखिलेश मिलने नहीं पहुंचे थे। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि आजम साहब इतने दिन जेल में रहे, और मैंने पहले भी कई बार मौके पर कहा है उनके सदा इंसाफी हो रही है। आजम साहब जो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी को ऊंचाई पहुंचाने में उनका बहुत योगदान है। ऐसे में स्वाभाविक है मैंने तकलीफ होना कि पार्टी के नेता उनसे मिलने न जाए। माननीय मुलायम सिंह ने एक बार कहा था आजम साहब के साथ नाइंसाफी हो रही, बात मुलायम सिंह जी ने कही थी और उनके आंदोलन होना चाहिए, लेकिन ये शायद बात पार्टी नेताओं को स्वीकार नहीं हुई और कोई विशेष बड़ा आंदोलन नहीं किया गया। समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात। सर, आपने कहा कि नाइंसाफी हुई उनके साथ, लेकिन ये नाइंसाफी के मायने क्या भाजपा की तरफ इशारा करते हैं या खुद पार्टी के बड़े नेता की तरफ इशारा करते हैं, जो कि इलेक्शन में तो जगह जगह पहुंचे लेकिन आजम से मिलने के लिए जेल में नहीं पहुंचे, यानी कि मैं अखिलेश यादव की बात कर रही हूँ। इसका आप पर निर्भर करता है कि किस मायने में आप इसका अर्थ लगाएं, और मैंने जो कहा है उस बात में तथ्य है और तथ्य। सर, आखिर सवाल तो ये भी बनता है कि मेहरबा देर की हो गई आते आते और लगभग 27 महीना जेल, और उसके बाद जब बाहर निकले तब भी आजम खान साहब से जो है अखिलेश यादव शायद मिलने नहीं पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल जरूर मुलाकात करने आए। समय के अनुसार सब काम होते हैं, आज समय उनके पास था, उन्होंने उसके लिए समय निकाला और उससे मिलने गए। मैं समझता हूँ आजम खान साहब बहुत अच्छे इंसान है और जल्दी स्वस्थ हो, यही मैं कामना करता हूँ। सर, ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि पार्टी के एक मुस्लिम बड़े नेता का नेतृत्व जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, उनसे मिलने के लिए बड़े नेता अखिलेश यादव के पास वक्त नहीं था, जिस तरीके से आपने कहा कि समय का अभाव रहा होगा। अब मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि रामपुर में तंजीम फातिमा है जो कि इनकी धर्मपत्नी है, कयास लगाया जा रहा है कि चुनावी मैदान में उतर सकती है, जिस तरीके से आजमगढ़ से डिंपल यादव के लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि दो महिलाएं अगर उतरती है आजमगढ़ और रामपुर से तो समाजवादी पार्टी की नैया पार लगा देंगी? निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी टिकट तय करेगी उसको सफलता मिलेगी, और आजम खान साहब के परिवार से कोई व्यक्ति लड़ेगा निश्चित चुनाव जीतेगा। आपकी इच्छा है कि आजम खान साहब के परिवार से रामपुर से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ उनके साथ परिवार साथ कोई लड़े और जो लड़े वो जीतेगा। डिम्पल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल ठीक लड़ रही है डिम्पल जी, ठीक लड़ रही है, वहाँ सीट खाली की, अखिलेश जी ने खाली की है, नेता ही देता ही पहले वहां से एमपी रहे, तो मैं समझता हूँ कि उनके परिवार का जो भी खड़ा होगा उसको असम्मान मिलेगा। चलिए, शुक्रिया। तो सुखराम सिंह यादव को आप सुन रहे हैं, बड़े नेता भी है समाजवादी पार्टी के और एक बड़ा राजनीतिक करियर भी समाजवादी पार्टी में इनका रहा है, और अपने ही मुख से साफ शब्दों में ये बोलते हुए भी नजर आए हैं कि समय का अभाव रहा होगा, यही वजह है कि अखिलेश यादव इतने दिनों बाद या कह लीजिए इतने सालों बाद आजम खान साहब से मिलने पहुंचे। और देखिए, ये बात भी सच्चाई है कि यहाँ पे इस बात को कहना झूठ नहीं होगा कि आखिर मेहरबा देर की हो गई आते आते, लगभग 29 महीने से ज्यादा का वक्त अखिलेश यादव की आजम खान से जाकर आज मुलाकात हुई। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।